स्नेल्स लॉ तो आपने पढ़ रखा है। अब स्नेल्स लॉ के आगे जस्ट एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। जैसे इमेजिन करो कि अगर आपके पास मल्टीपल पैरेलल लेयर्स ऑफ डिफरेंट मीडियम है, ठीक है, मल्टीपल पैरेलल लेयर्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, अगर ऐसा एक सिचुएशन है आपके पास, मान लो आपके पास ऐसा कह रहे हैं, जैसे यहाँ मान लो एक लेयर है, यहाँ मान लो दूसरा लेयर है, यहाँ तीसरा लेयर है, सब अलग अलग थिकनेस के हो सकते हैं, थिकनेस से कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, बस पैरेलल होना चाहिए, बस ये कंडीशन लगा रहे हैं। और ऐसे ही मान लो आपके लास्ट में एक और मीडियम डाल दिया, ये मान लो आपका म्यू वन मीडियम है, ये म्यू टू है, ये म्यू थ्री है, एंड ये मान लो लास्ट में म्यू एन है। सपोजिटली मैंने आपको ये दे रखा है कि फर्स्ट मीडियम से एक लाइट रे आता है, फर्स्ट मीडियम से एक लाइट रे आता है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो थीटा वन है, और लास्ट मीडियम में मान लो मुझे दे रखा है कि इमर्जेंट रे मिल रही है, मुझे लास्ट मीडियम में मिल रही है इमर्जेंट रे, ये गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे थीटा एन है एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइनली। क्या हम फर्स्ट और लास्ट मीडियम के बीच में डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं तो क्यों लगा पा रहे हैं यहाँ पे, और नहीं लगा सकते तो कब नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस इक्वेशन के तरह बने हैं ना, कि म्यू वन साइन थीटा वन, फिर म्यू टू के लिए भी लिखेंगे तो वही सेम वेरिएबल्स आएंगे इसलिए। तो क्या पैरेलल होना कंडीशन है मैंडेटरी है लेयर्स का? नहीं, अच्छा मतलब ये पैरेलल, हाँ ये पैरेलल होना मैंडेटरी, हाँ लेयर्स का पैरेलल होना मैंडेटरी कंडीशन है, सही कह रहे हैं आप, लेयर का पैरेलल होना मैंडेटरी कंडीशन है, उसके बाद तो आप यू नो आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल थीटा टू बनेगा वही एंगल थीटा टू जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है म्यू वन म्यू टू के लिए, अगर आप नोटिस करोगे तो म्यू टू म्यू थ्री के लिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा टू, है ना, राइट? हाँ समझ आ रही है आपको? और ऐसे करके फिर वापस से यहाँ पे थीटा थ्री जब आप दिखाओगे, थीटा थ्री दिखाओगे म्यू थ्री वाले मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वही थीटा थ्री आपका म्यू थ्री म्यू फोर के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके इंडिविजुअल लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम के बीच में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। तो सिंपल टर्म्स में आप ऐसे देखें तो ये लिख सकते हैं म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू, ये लास्ट में आप म्यू एन साइन थीटा एन कर सकते हैं, ठीक है, तो चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैरेलल लेयर्स होगा तभी कर सकते हैं। अब जैसे ऐसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो कि फर्स्ट मीडियम का मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और मैंने बोला कि यू नो कि पतले पतले लेयर्स हैं थिकनेस डेल्टा एक्स के, और उस पर हर डेल्टा एक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो यू नो 0.02 से बढ़ता चला जाता है, तो बताओ 50 लेयर के बाद एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आप डायरेक्टली उस 50 लेयर के बाद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिखो, और उसके बाद फिर डायरेक्टली म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू वो जो 50th लेयर का म्यू है इनटू साइन थीटा एन कर लेंगे। समझ आ रही है? ठीक है ना? ठीक है। इस पे बेस करके एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना आपको एक लाइट रे दे देते हैं एक सर्टेन जगह पे इंसिडेंट करा के, और एक वेरिएबल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं, मतलब मीडियम का एक ऐसा मीडियम दे देते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, मतलब पोजीशन के साथ वेरी करती है, और उसके बाद उसका लोकस वगैरह निकालने के लिए बोलते हैं, मतलब वो रे कैसे लोकस में जाएगा वो पूछते हैं आपसे। तो ऐसे भी इस क्वेश्चंस आपको हैंडल करना सिखाता हूँ कैसे करते हैं, ये इसी का एप्लीकेशन है, फाइंडिंग आउट द लोकस ऑफ अ रे इन अ मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ये कलर्स देखने में तो दिक्कत नहीं आ रही है ना? नहीं सर। ठीक है। तो जनरली इसमें आपको दो केस देखेंगे, केस वन केस टू, दोनों केस में डिस्कस कर लेता हूँ, उस पर फिर एक का क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस दे रखा है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एक्स वाई प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिखता है ये हमारा एक वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भरा पड़ा है,
उसको कंटिन्यूअस हैच करो। पूरा का पूरा मीडियम हमारा वेरिएबल रिफ्रैक्टेंस बराबर है। अब इसके दो केस क्या है, फर्स्ट केस में क्या कर रखा उन्होंने, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पोजीशन एक्स का वेरिएबल दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो म्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, और सेकेंड केस जो है उसमें म्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब वाई के फंक्शन में दे रखा है। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे सोचू तो फर्स्ट केस में अगर मैं मल्टीपल लेयर्स की तरह इसको सोचू, मल्टीपल लेयर्स की तरह, तो क्या हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, सोचो तो, कि ऐसे मल्टीपल लेयर्स हैं डिवाइडेड है, नहीं है ऐसे तो सोचेंगे ना? हाँ सर, हाँ ठीक है, तो ऐसे लेयर्स होंगे, मतलब पतले पतले dx dx थिकनेस का इमेजिन करो तो आप विजुलाइज कर पाओगे। जबकि सेकंड वाले केस में आपको जब थिकनेस विजुलाइज करना है पैरेलल लेयर्स की तरह, तो ऐसे विजुलाइज करना है ना? समझ आ रही है ना कोई बातें? हाँ सर, हाँ सर। अब क्या कर रखा है, ठीक है बेटा, अब क्या, अब उन्होंने क्या कर रखा है, मान लो कि किसी एक जगह पे, यहाँ पे ओरिजिन पे मान लो उन्होंने रे इंसिडेंट करा के आपको दे रखा है, ठीक है, दे हैव गिवन यू द इंसिडेंट रे। ए के लिए बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप किधर से मेजर करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर से मेजर करोगे, एक्स एक्सिस की तरफ से या वाई एक्सिस की तरफ से? वाई एक्सिस की तरफ से, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ से, मतलब मुझे जो जाए एक्स एक्सिस की तरफ से। हां, क्योंकि नॉर्मल अकॉर्डिंग एक्स की तरफ से ही गए। हाँ, ये वाला मतलब देखो इधर एक्स एक्सिस की तरफ से है ना, एक्स एक्सिस की तरफ से मेजर करना है, तो ये आपको एंगल दिया होगा थीटा नॉट, ठीक है, और यहाँ का जो ओरिजिन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपको दिया होगा, ठीक है, तो म्यू नॉट उसको मान लेते हैं, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको म्यू नॉट मान लेते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ओरिजिन के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये रे जो है ये किसी तरह से बेंड करके जा रहा होगा, लेट अस से कि वो ऐसा कुछ एक बेंड करके जा रहा है, लेट अस से कि ऐसा बेंड करके जा रहा है, हो सकता है ये ऊपर भी डिविएट करे, मैं उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी अगर जा रहा होगा, तो यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पोजिशन हमने कंसिडर कर लिया, लेट अस से कि ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स का है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ठीक है, देखो तो ये एंगल को अगर मैं यहाँ पे थीटा मानू, ये एंगल को थीटा माने, तो टैन थीटा का वैल्यू तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, होगा नहीं होगा, राइट? हाँ सर, हाँ सर, है ना? और आपको ये भी पता है कि यहाँ का जो म्यू होगा, ये म्यू तो आपको दिया होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एट पोजीशन एक्स इनटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन थीटा नॉट लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं ना? हाँ, तो यहां से अब देखो, यहां से आपको साइन थीटा मिल जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट, ये जो वैल्यूज दिया होंगे आपको, एंड डिवाइड बाय म्यू, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था ना, दिया था ना? हाँ सर, हाँ सर। यहाँ से म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो इसकी वैल्यू को लिख सकते हो आप, दिस इज म्यू नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? तो साइन थीटा से अब आप टैन थीटा निकाल सकते हो, निकाल सकते नहीं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस From this, we obtain tan theta, ठीक है? And tan theta को फिर finally क्या करना है आपको? dy by dx से equate करना है, dx को आपको LHS में लेके जाना है, और dy की value को tan theta into dx लिख लेना है, और उसके बाद फिर integrate कर देना है, समझ आई आपको? हाँ सर, समझ आई? तो इसे locus मिल गया ना आपको? मिल गया? हाँ सर, हाँ ठीक है। अब यही काम अगर इधर से करना है, सेम चीज इधर से करना है, अभी आप कैसे को, जैसे यहां से आपने फिर से एक रे लिया, ये रे लिया आपने, बट इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको किधर से लेना है, किधर से, वाई एक्सिस की तरफ से, तो ये थीटा नॉट होगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है। फिर से ऐसे ही रे को लेके चले जाते हैं, किसी तरह से बेंड कराया हमने यहाँ से,
एक रैंडम पोजीशन मार्क कर लो यहाँ पे, कोई भी एक रैंडम पोजीशन ले लो, लेट्स से ये अपना रैंडम पोजीशन है, इसकी कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स कॉमा वाई मार्क करो और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है? यहाँ का बट नॉर्मल कैसा है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये एंगल इधर से, ये आपको थीटा लेना है, ठीक है? तो हमारा जो टैन थीटा के लिए स्लोप चाहिए वो बेसिकली 90 माइनस थीटा होगा, तो टैन ऑफ क्या लिखेंगे आप, 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी कॉट थीटा एंड इसकी वैल्यू को आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखनी है, ठीक है? समझ आई आपको, ठीक है ना? हाँ सर। एंड बाकी का स्टेप तो फिर से सेम है, इस केस में फिर से आपको क्या लिखना है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन थीटा नॉट, एंड देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी म्यू नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, और फिर यहां से आपको टेन थीटा मिलेगी, सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन टेन थीटा इक्वल टू dy by dx, tan theta की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से एंड फिर वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, तो dx की वैल्यू लिखोगे तो dy by dy होगा ना, ओहो क्या हो गया, ये tan theta नहीं cot theta होगा बेटा, एक मिनट मैंने गलत दे दिया, cot theta होगा यहाँ पे, ये cot theta होगा और फिर आप वापस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, देखते हैं आपने समझा या नहीं समझा। स्लैब ऑफ थिकनेस ए बाई टू इज शोन इन फिगर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये हमारा स्लैब है, ये स्लैब की थिकनेस आपको ए बाई टू दी हुई है, ये पूरा का पूरा आपको स्लैब मानना है, ठीक है? और यहां से हम ये करें इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये एंगल थीटा नॉट, और उसने ये भी दे रखा आपको थीटा नॉट की वैल्यू को टेंडिंग टू आपको पाई बाय टू लेना है, ठीक है? थीटा नॉट टेंडिंग टू पाई बाय टू है। क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब डिपेंड्स ऑन एक्स एज म्यू इक्वल टू ए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, वेयर म्यू नॉट and A are constants. अब आपको ये बताना है इसके कुछ पार्ट से क्वेश्चन के, पहला ये find the locus of the ray inside slab, ये एक निकालना है, दूसरा डेविएशन ऑफ रे निकालना है, डेविएशन ऑफ रे टिल इट एग्जिट्स आउट ऑफ स्लैब, ये निकालना है, एंड तीसरा लोकस ऑफ द रे आफ्टर द स्लैब निकालना है, तीन पार्ट। चलो ट्राई करो, मेरे स्क्रीन में 10:20 हो रहा है, 10:24 में डिस्कस करेंगे, अच्छा 21 हो गया है, तो 25 में डिस्कस करेंगे।
सर जो डेविएशन लेना है वो क्या क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज? वो तो तुम ही बताओगे, मुझे क्या पता। हो गया ना? अभी मैं करूं? हाँ सर, हाँ सर हो गया। ठीक है, लोकस क्या है? x square plus y square is equal to 2x। हाँ वही है, मतलब सर्कल आ रहा है ना? हाँ सर्कल ही है ना ये। हाँ ओ अच्छा, हाँ मेरा सेम ही है, मेरा मतलब वो सेंटर के पॉइंट से मैंने किया था। नो वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस से होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है मेरा। देखो मेरे को ऑलमोस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे ही है ना सिचुएशन, ऑलमोस्ट ऐसे आ रहा है ना?
सर सर एक चीज पूछ रहा था, जब डेविएशन मीन हमेशा एंगल ही मीन करते हैं ना, मतलब एंगल का जो डिफरेंस, क्या क्या फिर से बोलो बेटा क्या बोला? जब डेविएशन ऑफ रे बोलते हैं तो मतलब ये तो मीन नहीं कर रहा ना कि मतलब जहां पे वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, नहीं 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 डेविएशन मतलब एंगल की बात कर रहे, इंसिडेंट राइट लो और फाइनल जो रे जिसकी वो बात कर रहे हैं उसकी लो और उन दोनों के बीच में एंगल मार्क करो, एंगल डिफरेंस मार्क करो। हां सर समझ गए। तो मैं ऐसा कुछ दिखा रहा हूं सिचुएशन, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि वापस से ये तो ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया, मैं इसको यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, ये वाला रिलेशन को यूज कर ले रहे हैं, साइन थीटा इज म्यू नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइड बाय एफएक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर लिए, यहाँ पे टेंजेंट मार्क कर लिया है और ये एंगल को थीटा लिख लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं हम म्यू नॉट साइन 90 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था, ए म्यू नॉट बाय ए माइनस एक्स, ए म्यू नॉट बाय ए माइनस एक्स, सो म्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो गया सर, डेविएशन आपके पास ठीक जाएगा क्या 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 सर, डेविएशन मेरा 180 डिग्री आ रहा है, 100 एंड इसे गलत हो गलत है, छोड़िए छोड़िए क्या रे 100 एंड कुछ बोल रहा है तुम, चलिए चेक कर मतलब a minus x and hyper, base मतलब root under a square minus of a minus x का whole square, so this is a minus x divided by रूट अंडर, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर तो कट जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर नेगेटिव हिसाब आ जाएगा, तो टू ए एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है ना, हाँ हाँ, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखा और अभी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दिस इज ए माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर टू ए एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, इसको टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, यही करेंगे ना, यही करेंगे ना, और इसको अभी जीरो से लेके एक्स तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये तो देख ही रहा आपको परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है ना, है ना राइट, तो ये हो जाएगा एक्स दिपा एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो पावर हाफ है, हाफ है तो मतलब माइनस हाफ है तो रूट हो जाएगा, मतलब ये से नीचे चला जाएगा, सो रूट मतलब ट्वाइस हो जाएगा 2ax टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड बाई हाफ, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये तो कट जाएगा, ये टू और ये टू तो कट जाएगा, है ना, हाँ सर, सो इफेक्टिवली आपके पास इक्वेशन क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो बेसिकली आपके पास आ रही है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, सो दिस इज अ सर्कल सेंटर्ड एट ए कॉमा जीरो एंड रेडियस इज ए, राइट, ये है ना, हाँ सर, तो अब इस डायग्राम पे वापस आते हैं, ये डिस्टेंस तो a बाय टू दिया हुआ है, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं है ए पे, ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि इसको अगर मैं कंटिन्यू करता तो कुछ ऐसा दिखता, ऐसे कुछ होता ना, राइट, है ना, हाँ सर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें इसके ऊपर तो ये सेंटर पे मीट करना चाहिए, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा इस लाइन से, ठीक है ना, और ये तो अब आपको दिख ही रहा है, ये डिस्टेंस भी आपका a बाई टू है, दिस इज ऑल्सो a बाई टू एंड दिस इज a, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट, क्या यही डेविएशन है क्या, देखो तो है ही नहीं है, हाँ सर, हाँ सर, सो द डेविएशन इज
60 डिग्री, यही डेविएशन आई है. ठीक है, तो पहला पार्ट उसने पूछा था फाइंड द लोकस, लोकस हो गया है. डेविएशन ऑफ रे टिल इट एग्जिट्स आउट ऑफ द स्लैब, ये भी हो गया है 60 डिग्री. लोकस ऑफ द रे आफ्टर स्लैब, आफ्टर स्लैब क्या होगा सर? y माइनस रूट थ्री बाई टू ए इक्वल वन बाई रूट थ्री इंटू एक्स माइनस ए बाई. गलत, गलत सर. y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट थ्री.